कैल्सीमिया, हाइपो कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया का वही स्टेप पे हम दोबारा फॉलोअप करते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन किसे कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया? तो यहाँ पर डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में क्लियर करी थी, व्हेन सीरम कैल्शियम वैल्यू बिलो 8.6 mg पर dl, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट नंबर पे आएगा आपके पास में कॉजेस, कॉजेस किन किन कारणों के कारण से हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो आप कॉजेस में पहला कॉज समझने के लिए अपन यहां पर सबसे पहला कॉज लिख देते हैं, रीनल इंपेयरमेंट कंडीशंस, रीनल इंपेयरमेंट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ERF एंड CRF, कहना चाह रहे हैं कि हाइपोकैल्सीमिया के कारणों को डिस्कस कर रहे हैं। पहला कारण है रीनल इंपेयरमेंट, मतलब रीनल इंपेयरमेंट के क्लाइंट में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा। कैसे? अब आप इसके सामने क्लियर, आप समझ चुके हैं, आपको मैंने अभी साइकिल में पूरा बताया था कि रीनल इंपेयरमेंट कंडीशन के अंदर विटामिन डी का फाइनल एक्टिवेशन, मतलब कैल्सी ट्रायोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कैल्सी ट्रायोल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन नहीं बनेगी, कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें लेवर इंपेयरमेंट, दूसरा कॉज है लेवर इंपेयरमेंट। लेवर इंपेयरमेंट कंडीशन को समझने के लिए विटामिन डी साइकिल को याद रखना है। लेवर के अंदर फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन होता है, इसका मतलब कैल्सी डायोल का फॉर्मेशन होता है। जब कैल्सी डायोल नहीं बनेगा तो कैल्सी ट्रायोल नहीं बनेगा, और कैल्सी ट्रायोल नहीं बनेगा तो कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो इस कंडीशन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होगा। थर्ड नंबर पे कॉज होता है अपने पास में, थर्ड नंबर पे कॉज है और वो है एल्कालोसिस कंडीशन। ये दो तीन कॉज है, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, रेशनल अभी क्लियर कर दूंगा। चौथे नंबर पर है हाइपर प्रोटीनेमिया, नेमिया। पांचवें नंबर पर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, छठे नंबर पर है हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया। तीन चार पांच छह, चारों टॉपिक्स को देखें, एल्कालोसिस में हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपरप्रोटीनेमिया में हाइपोकैल्सीमिया होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हाइपोकैल्सीमिया होगा, हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया में हाइपोकैल्सीमिया होगा। इनको समझने के लिए अपन एक सिंपल सा रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। रेशनल है, इन सब कारणों में हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, उसको क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए हम यहाँ पर इसके रेशनल्स को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर अपन को एक बात समझनी है, आयनिक फेज। आयनिक फेज क्या है? आयनिक फेज के अंदर अपन देखेंगे, यहां पर सिंपल सी एक मैं हिंदी में लाइन लिख रहा हूं, कैल्शियम की प्रकृति होती है एनायन से जुड़ने की, एनायन से जुड़ने की। इसका मतलब एनायन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहां पर अपन लिख दें, एनायनों में हम रख देते हैं फॉस्फेट, सिट्रेट। दूसरे नंबर पर रखते हैं हम कैल्शियम की प्रकृति होती है एल्ब्यूमिन से जुड़ने की। इन दोनों कॉन्सेप्टों को आपको याद रखना है, उसके बाद में अपन इसको अप्लाई करेंगे। पहली बात, इसको आयनिक फेस में क्यों रखा गया? क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम जो है ये क्या है, कैल्शियम एक कैटायन है। कैटायन मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश है? धन आवेश। एंड डेफिनेटली ये किससे अटैच्ड होगा? एनायनों से अटैच्ड होगा, एनायनों का मतलब ऋण आवेश।
एनआयनओ का मतलब ऋणावेश, तो इसका मतलब कैल्शियम जहां पर भी आपको ऋणायन मिलेगा उससे अटैच्ड होगा, इसलिए बोला ये फास्फोरस से जुड़ेगा, इसलिए बोला ये सिट्रिक जुड़ेगा, इसलिए बोला ये एल्ब्यूमिन से जुड़ेगा। एल्ब्यूमिन पे कौन सा आवेश होता है? एल्ब्यूमिन पे भी ऋणावेश होता है। एल्ब्यूमिन क्या है? एक प्लाज्मा प्रोटीन। इस कंडीशन पे अब हम रेशनल्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात करें, अगर अपन सबसे पहला कंसेप्ट लें, अगर अपन सिंपल सा कंसेप्ट है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसा कि आपके पास में कॉसेस दे रखे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हाइपोकैल्शियमिया होता है। इसको क्लियर कर रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हाइपोकैल्शियमिया कैसे होता है, या फिर अगर बोलें कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिट करना चाहिए, क्यों, उसको अभी समझेंगे। देखिए, जब आपने किसी क्लाइंट को डोनर से ब्लड लिया और इस ब्लड को एक एंटीकोगुलेंट सॉल्यूशन एसीडी में रखा, एसीडी की फुल फॉर्म एसिड सिट्रेट और डेक्स्ट्रोज, एसीडी सॉल्यूशन में रखा, और जब इस एसीडी कंटेनिंग सॉल्यूशन को आपने रिजर्वियर में चढ़ाया या रिसीवर में चढ़ाया, डोनर मतलब दाता, रिसीवर मतलब ग्राही, कौन सा ब्लड चढ़ाया आपने रिसीवर में? आपने ब्लड चढ़ाया एसीडी कंटेनिंग ब्लड, एसीडी कंटेनिंग ब्लड। जब एसीडी कंटेनिंग ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज किया रिसीवर के अंदर, तो जैसे ही रिसीवर के अंदर ये एसीडी कंटेनिंग ब्लड जाएगा, सी सी फॉर सिट्रेट, जैसे ही सिट्रेट बॉडी के अंदर जाएगा रिसीवर की में, तो रिसीवर में जो कैल्शियम प्रेजेंट है, फ्री कैल्शियम आयन है, उनसे ये तुरंत ज्वाइन अप कर लेगा और फ्री कैल्शियम आयनों की सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्शियमिया। इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होने के बाद में हाइपोकैल्शियमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिट करेंगे। तो यहां पर आप बात समझेंगे कि एसीडी कंटेनिंग ब्लड में सिट्रेट जैसे ही रिसीवर की बॉडी में जाएगा, ये किससे ज्वाइन करेगा, कैल्शियम से। क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि कैल्शियम की आदत होती है एनआयनों से जुड़ने की, और सिट्रेट क्या है, एक एनआयन। नेक्स्ट नंबर पे अगर आपसे बात करें कि एल्कालोसिस कंडीशन में हाइपोकैल्शियमिया क्यों होगा, तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये अपन ने लिखा एल्कालोसिस। एल्कालोसिस में अपन को हाइपोकैल्शियमिया क्लियर करना है। ये रहा इसका रेशनल। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके लिए आपको यहां पर बफर को याद रखना है। बफर कौन सा बफर? बफर अपने पास में है प्लाज्मा प्रोटीन बफर। प्लाज्मा प्रोटीन बफर, सिंपल से कंसेप्ट को समझे। बफर क्या होता है? बफर वह चीज होती है जो कि पीएच को न्यूट्रलाइज करके रखता है, बफर। अब यहां पर अगर बोले प्लाज्मा प्रोटीन बफर, तो प्लाज्मा प्रोटीन अपन के बॉडी में पीएच को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बफर। किस प्रकार से करती है, उस चीज को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन है, ये फ्री हाइड्रोजन आयन है, ये हमेशा कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में हो गए बॉडी के अंदर, तो ये पीएच को घटा करके एसिडिक मीडियम पैदा करके कई सारे मोर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं, एसिडोसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए बफर का निर्माण हुआ। अब ये बफर कैसे वर्क कर रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बफर कैसे काम कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को ये प्लाज्मा प्रोटीन बफर किससे ज्वाइन करके रख रहा है, एल्ब्यूमिन से। ये केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड, और ये क्या है, एक बफर है। इसका मतलब एल्ब्यूमिन क्या है, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये क्या कर रही है, फ्री हाइड्रोजन आयन को फ्री नहीं होने दे रही है, इसको केमिकल बॉन्ड के द्वारा बांध के रख रखा है। अगर ये हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएंगे तो मीडियम में एसिडोसिस कर देंगे, पीएच को घटा देंगे, जिसके कारण से कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो इस कंडीशन में ये बफर की तरह वर्क कर रहा है एल्ब्यूमिन, और इस बफर को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन बफर। अब जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एल्कालोसिस कंडीशन में, तो यहां पर अपन देखें कि एल्कालोसिस हुआ है किसी क्लाइंट को, ये अपन ने एल्कालोसिस किया, एल्कालोसिस कंडीशन में क्या होगा, बाइकार्बोनेटों की वैल्यू क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, और ये आपके सामने बाइकार्बोनेट की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, बढ़ गया बाइकार्बोनेट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही क्लाइंट को एल्कोलोसिस होगा, ये क्लाइंट को एल्कोलोसिस हुआ, एल्कोलोसिस कंडीशन में तुरंत ही क्या होगा, एल्कोलोसिस कंडीशन होते ही ये जो केमिकल बॉन्ड है हाइड्रोजन आयन और एल्ब्यूमिन के मध्य में, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण से हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएंगे, एल्ब्यूमिन फ्री हो जाएगी, एक दोनों से दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, केमिकल बॉन्ड जो इनको बांध के रख रखा था वो फ्री हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन फ्री होते ही क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर दिया, एन फॉर न्यूट्रलाइज, और कंडीशन ठीक हो जाएगी। बाइकार्बोनेट्स बढ़ रहे थे एल्कालोसिस कंडीशन में, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए। अब ज्यादा बाइकार्बोनेट्स बन गए तो हाइड्रोजन आयन और एल्ब्यूमिन के मध्य में जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन किसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन फ्री कौन हो जाएगा, फ्री एकदम हो जाएगा एल्ब्यूमिन, और जैसे ही एल्ब्यूमिन फ्री मिलेगा इससे तुरंत आकर के कौन जुड़ जाएगा, इससे तुरंत आकर के जुड़ जाएगा कैल्शियम, और फ्री कैल्शियम आयनों की कमी हो जाएगी, और इसके लिए क्या होगा, एल्कोलोसिस कंडीशन में कंडीशन ठीक हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द बाइकार्बोनेट आयन बट रिमेनिंग फ्री ऑफ एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन से कौन आकर के जुड़ जाएगा, फ्री कैल्शियम आयन, और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब यहां पर आपको याद रखना है कि जैसे ही एल्कोलोसिस हो क्लाइंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिट करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन बात करें, नेक्स्ट नंबर पर आपके पास में कॉज हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया के कारण से हाइपोकैल्शिमिया होता है, तो यहां पर मैंने लिखा हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया। अब इसको आपको समझाने की कोई नीड नहीं है जहां तक मैं समझता हूं कि हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया के कारण हाइपोकैल्शिमिया क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एल्ब्यूमिन कौन सा आवेश लेकर के रखती है, एल्ब्यूमिन आवेश लेकर के रखती है ऋण आयन या फिर एन आयन, और एल्ब्यूमिन की वैल्यूशन बढ़ेगी तो इससे आकर के तुरंत कौन जुड़ जाएगा, कैल्शियम या कैटायन आके जुड़ जाएगा, और कैल्शियम में क्या हो जाएगी, कमी, इसलिए बोलते हैं हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया कंडीशन में हाइपो कैल्शियमिया होगा। नेक्स्ट नंबर पर है हाइपर प्रोटीनेमिया। एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन है, इसका मतलब मैं नेक्स्ट लिखूं कि हाइपर प्रोटीनेमिया कंडीशन में बी क्या होगा, हाइपो कैल्शियम। इस प्रकार से आपके सामने अभी तक के चारों टॉपिक्स को मैंने क्लियर किया हाइपोकैल्शिमिया के अंदर। हाइपोकैल्शिमिया का पहला कारण रिनल इम्पेयरमेंट क्लाइंट, जिन क्लाइंटों की किडनी खराब है, इसका मतलब कैल्सिट्रायोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कैल्सिबाइंडिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हो रहा है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरे नंबर पर लिवर इम्पेयरमेंट क्लाइंट, इस कंडीशन में कैल्सिडायोल नहीं बनेगा तो कैल्सिट्रायोल नहीं बनेगा, कैल्सिट्रायोल नहीं बनेगा तो कैल्सिबाइंडिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और जिसके कारण से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पर एल्कालोसिस कंडीशन, एल्कोलोसिस कंडीशन में आपके सामने मैंने बताया था कि जैसे बाइकार्बोनेटों की वैल्यू बढ़ती है और नॉर्मल जो हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है वो उनको न्यूट्रलाइज करने में असक्षम हो, तो रिजर्वियर जो हाइड्रोजन आयन है जो कि एल्ब्यूमिन के संग में बॉन्ड बना के रखते हैं, उन दोनों के मध्य में जो केमिकल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन जो बच जाता है वो एल्ब्यूमिन, और उस एल्ब्यूमिन से आकर तुरंत कौन जुड़ता है, कैल्शियम। नेक्स्ट नंबर पर अगर बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कांसेप्ट को समझने के लिए आपको बताया मैंने कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सिट्रेट जैसे ही रिसीवर के बॉडी में जाएगा तो फ्री कैल्शियम आयन से ज्वाइन करके और कैल्शियम की कमी हो जाएगी, इसी वजह से कैल्शियम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट के बाद में कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिट करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया एंड हाइपर प्रोटीनेमिया बोथ आर एनायन। नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने नेक्स्ट कॉज को डिस्कस करेंगे, नंबर 7 कॉज है आपके सामने हाइपर फॉस्फेटेमिया। कहना क्या चाह रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं हाइपोकैल्शियमिया के कॉजेस के अंदर 7th कॉज रखा है मैंने हाइपर फॉस्फेटेमिया, इसका मतलब फॉस्फोरस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइपोकैल्शियमिया होगा। ये आपने जब डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस के अंदर आपने देखा होगा तो आपके सीनियर्स ने आपको बताया था
कि जब कैल्शियम की कमी होती है तो फास्फोरस बढ़ जाता है, और जब कैल्शियम की अधिकता होती है तो फास्फोरस घट जाता है। बस इतना ही काफी है, लेकिन अपन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसका भी आपके पास में आयनिक फेस के अंदर आंसर है, इसको भी आप कैसे समझेंगे? इसमें आपको रेशनल समझना है इस वाले कंसेप्ट को, कि हाइपरफॉस्फेटेमिया के कारण से हाइपोकैल्शिमिया कैसे होगा। इस चीज को समझने के लिए सिंपल सा रेशनल है, अभी आपको क्लियर किया ही था मैंने इस चीज को, कि हाइपरफॉस्फेटेमिया इसका मतलब फॉस्फोरस की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ये फॉस्फोरस की वैल्यू देखिए आपके सामने मैंने बढ़ा दी, और जो फॉस्फोरस है वो कौन सा आयन लेकर के है, एन आयन। इसके ऊपर कौन सा आवेश है, ऋण आयन। और जैसे ही फॉस्फोरस बढ़ेगा तो इसके संग में आकर के कौन जुड़ जाएगा, इससे आकर के जुड़ जाएगा कैल्शियम। तो ये देखिएगा जैसे ही ऋण आयनों की या फिर एन आयनों में या फिर फॉस्फोरस की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे तुरंत कौन आकर के जुड़ जाएगा, कैल्शियम आकर के जुड़ जाएगा, और फ्री कैल्शियम आयनों की सांद्रता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसका मतलब जैसे ही क्लाइंट को हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा तो क्लाइंट में फॉस्फोरस से कौन आकर के जुड़ जाएगा, कैल्शियम जुड़ जाएगा, और फ्री कैल्शियम आयनों की मात्रा में कमी हो जाएगी, और क्लाइंट को क्या हो जाएगा, हाइपो कैल्शियम। या तो आप इसको डायरेक्ट रटिए कि हाइपरफॉस्फेटेमिया कंडीशन में हाइपोकैल्शियमिया होता है, बस इतना याद रखना है, इन दोनों के चिन्हों को अलग रखिए, एक बढ़ेगा एक घटेगा, ये घटेगा एक बढ़ेगा। बट या फिर अगर आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना जैसे ही फॉस्फोरस बढ़ेगा तो इस कंडीशन में एनायंस बढ़ेंगे, और इससे कौन आकर के जुड़ जाएगा, कैटायन जुड़ जाएंगे, तो इसके मतलब कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें दूसरी वाली बात में, कि कैल्शियम की अगर देखता हुई फॉस्फोरस की अगर अपन यहां पर कमी करके देखें, फॉस्फोरस की कमी होगी, आप समझिए फॉस्फोरस की कमी होगी तो एनायनों की क्या होगी, कमी होगी। ऋण आयनों की कमी होगी तो कैल्शियम इससे आकर के जुड़ नहीं पाएगा, एकदम कैल्शियम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसको एनायन मिलेंगे नहीं, धन आयनों को जुड़ने के लिए ऋण आयन मिलेंगे नहीं, तो धन आयन फ्री घूमेंगे, और फ्री घूमेंगे तो कैल्शियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि जब क्लाइंट को हाइपोफॉस्फेटेमिया होता है तो कैल्शियम की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझें, हाइपोफॉस्फेटेमिया कंडीशन के अंदर एनआयनओ की कमी होती है जिसके कारण से कैटायंस फ्री अवेलेबल होते हैं, और इस कंडीशन में हम बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिया। नेक्स्ट कॉज की अगर बात करें अपन, सेवंथ के बाद में अगर नेक्स्ट एट्थ कॉज देखें, एट्थ कॉज है अपने पास में, एट्थ कॉज के अंदर आएगा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। सिंपल सा कंसेप्ट है, माल का मतलब कमी, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। ऐसी बीमारियां जिसके अंदर अवशोषण में कमी हो उन सब के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैल्शेमिया। हम इसको उदाहरण के तौर पे सबसे पहले नंबर पे सब यूनिट पे रखते हैं, पहली बीमारी का नाम, और उसका नाम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स होता है। क्या होता है इसके अंदर समझने के लिए सबसे पहली बात बोलते हैं कि हमने जब भी बेबी मिल्क फूड्स देखे हैं तो उसके अंदर लिखा होता है माँ का दूध सर्वोपरि होता है, माँ का दूध सर्वोपरि होता है। इस लाइन को क्लियर करने के लिए अपन यहां पर देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मदर मिल्क, जब बेबी मदर मिल्क को लेता है तो लैक्टोज किस में चेंज होता है, लैक्टोज किस में चेंज होगा, गैलेक्टोज में। लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा लैक्टोज किस में चेंज होगा, गैलेक्टोज में। इसका मतलब डाइसैकेराइड शर्करा किसके अंदर चेंज होंगी, मोनोसैकेराइड शर्करा के अंदर चेंज होंगी। वाला कंसेप्ट देखते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोपरि होता है, उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि माँ के दूध से दिमाग का विकास होता है। किस प्रकार से हो रहा है, देखिए लैक्टोज किस में चेंज हो रहा है, गैलेक्टोज में। और गैलेक्टोज क्या है, गैलेक्टोज एक ब्रेन शुगर है,
क्या है गैलेक्टोज? एक ब्रेन शुगर है, और ब्रेन शुगर की कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करेगा, बेबी के आईक्यू वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अब यहां पर अपन ने देखा डिसऑर्डर है लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसमें क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण से लैक्टोज बढ़ जाता है और गैलेक्टोज घट जाता है, क्योंकि लैक्टोज गैलेक्टोज में चेंज नहीं होगा तो गैलेक्टोज घट जाएगा, लैक्टोज बढ़ जाएगा, गैलेक्टोज की कमी के कारण से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और लैक्टोज के बढ़ने के कारण से बेबी इस लैक्टोज को पचा नहीं पाएगा, मतलब टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और इसे क्या बोल रहे हैं, इनटॉलरेंस कंडीशन। और इनटॉलरेंस या पचा नहीं पाएगा इस कंडीशन में वो क्या करेगा, बेबी वॉमिटिंग करेगा, और वॉमिटिंग के कारण से सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो वापस मुंह से बाहर निकल जाएंगे। हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम कैल्शियम, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि दूध के बाहर निकलने के कारण से कैल्शियम दोबारा से बाहर निकल जाएगा बॉडी से, और कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन में क्या होगा, हाइपो कैल्शियम। सेकेंड नंबर पर अगर अपन बात करें तो सेकेंड नंबर पे है अपने पास में क्रॉन्स, इसको समझते हैं इस किस प्रकार से होगा। इसको समझने के लिए, क्रॉन्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात देखनी पड़ेगी, हमारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं दो, आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर्स के अंदर दो प्रकार की बीमारियां डिस्कस करते हैं हम, एक होता है क्रॉन्स और एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये दोनों बीमारियां आईबीडी के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है, क्रॉन्स एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें तो ये लिमिटेड होती है किसके अंदर, लिमिटेड होती है एंटायर कोलन के अंदर, मतलब यह है असेंडिंग कॉलोन में भी देखने को मिल सकती है, डिसेंडिंग में भी देखने को मिल सकती है, ट्रांसवर्स कॉलोन में भी देखने को मिल सकती है, सिग्मॉइड कॉलोन में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो क्रॉन्स की बात करें तो यह माउथ से लेकर के और एनस से कहीं पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन साइट की बात करें, मोस्ट कॉमन साइट की बात करें तो यह होगा टर्मिनल इलियम। यहां पर एक क्वेश्चन आता है आपके पास, बहुत कॉमन क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का, कि क्रॉन्स बीमारी की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, टर्मिनल इलियम। इसी बेस पे अगर आपसे पूछे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो आप यहां पर बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। डिटेल डिस्कशन अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जब पार्ट स्टार्ट करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक डिसऑर्डर करेंगे, आईबीडी के अंदर बहुत ढंग से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अपन ने ये चीज समझी कि क्रॉन्स बीमारी क्या है, यह एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाने वाली अल्सरेटेड बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है, टर्मिनल इलियम पे क्या होता है, अल्सर का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब आपको एक लॉजिक रखना है याद, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क क्या है, भोजन का अंतिम पाचन वह अवशोषण कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, संग में पानी का या जल का आंशिक अवशोषण या फिर अपन बोले जल का पार्शियल एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां पर अपन ने देखा जब भोजन का अंतिम अवशोषण कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सरेटेड एरिया है, क्रॉन्स बीमारी है, तो जो भोजन के पाचन से जो मिनरल्स बने उनका अवशोषण नहीं हो पाएगा, और अवशोषण नहीं हो पाएगा तो मिनरल्स की कमी देखने को मिलेगी। हमारा डिस्कशन पॉइंट है कैल्शियम, तो इस क्लाइंट में क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैल्शियमिया। तो इसका मतलब सभी मिनरल्स की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कैल्शियम, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कैल्शियम की कमी हो जाएगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस में कमी होगी, क्रॉन्स में कमी होगी। एक थर्ड होता है सीलिएक डिजीज, इसके अंदर भी सेम कंडीशन क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैल्शियमिया। क्यों
क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि क्लाइंट जो भी अनाज खाएगा उसके अंदर वो रिगरगिटेट करेगा, वॉमिटिंग करेगा। इस कंडीशंस में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है, और वो पॉइंट है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में थायराइडेक्टोमी। थायराइडेक्टोमी और 10th पॉइंट है पीटीएच की कमी, या फिर अपन मेडिकल टर्म बोले इसे हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपोपैराथायराइडिज्म, हाइपोपैराथायरायडिज्म, इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्शेमिया। कैसे? देखिए आपको पता है कि पीटीएच इज प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम इन ब्लड, मतलब पीटीएच अगर बढ़ेगा तो कैल्शियम इन ब्लड बढ़ेगा, और जब पीटीएच घटेगा तो कैल्शियम इन ब्लड घटेगा। इसका मतलब जब किसी क्लाइंट को हाइपोपैराथायरायडिज्म होगा तो इसके अंदर हाइपोकैल्शियम देखने को मिलेगा। ये आपके सामने रेशनल एकदम क्लियर है, रेशनल आपके सामने क्लियर है कि जब किसी क्लाइंट को हाइपोपैराथायरायडिज्म होगा तो क्लाइंट को क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैल्शियम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पर है थायरॉइडेक्टोमी। थायरॉइडेक्टोमी के रेशनल को समझने के लिए भी बहुत सिंपल है। थायरॉइडेक्टोमी देखिए, मानिए एक बार स्ट्रक्चरल डायग्राम के आधार पर अगर अपन ही बोले कि थायराइड ग्लैंड और ये पैराथायराइड ग्लैंड, अब आप देखेंगे जब आप थायरेक्टोमी करेंगे थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे, ये हमने कटिंग सेक्शन बना दिया। थायरेक्टोमी में क्या क्या आपने थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया? थायराइड ग्लैंड को रिमूव किया, और थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के कारण से क्या हुआ? थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के कारण से पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू भी नष्ट हुए या डिस्ट्रॉय हुए, और जिसके कारण से पैराथायराइड ग्लैंड के टिश्यू में कमी आई, जिसके कारण से पैराथायराइड हार्मोन में कमी आई, और पैराथायराइड हार्मोन में कमी के कारण से आपको पता ही है क्या होगा? हाइपोकैल्शियमिया, यहाँ पर मैंने दे रखा है हाइपोपैराथायराइडिज्म कंडीशन में कैल्शियम ब्लड घटेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों कंडीशन में थायरेक्टोमी हो या हाइपोपैराथायरायडिज्म कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपोकैल्शेमिया का नेक्स्ट कॉज फर्दर डी जॉर्ज सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करिए इसको। डिजॉर्ज सिंड्रोम्स के अंदर एबनॉर्मल क्रोमोसोम 22 पाया जाता है। इसका मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें कि 22 क्या हो, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ मिसिंग्स होती हैं। क्या होता है इसके अंदर? इट इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कैसे? एबनॉर्मल मिसिंग, एबनॉर्मल मिसिंग इन क्रोमोसोम 22, जिसके कारण से क्या होगा फाइनली डिजॉर्ज सिंड्रोम्स के अंदर? डिलेड और माल मैच्यूरेशन ऑफ वेरियस बॉडी ग्लैंड एंड सिस्टम, बॉडी ग्लैंड एंड सिस्टम। कई प्रकार की ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का ढंग से मैच्यूरेशन नहीं हो पाता, और जब ढंग से मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा तो ढंग से अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे।
अब फाइनली अगर हम समझें डिजॉर सिंड्रोम्स के अंदर हाइपोकैल्शेमिया क्यों होता है, देन डेफिनेटली क्या आएगा, डिजॉर सिंड्रोम्स के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल मैच्योर रहेगी, जिसके कारण से पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा, और जिसके कारण से आपको पता है जब पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, हाइपो कैल्शियमिया। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट कॉज है फाइनली अपना, और वो है हाइपोमैग्नीशियमिया। हाइपोमैग्नीशियमिया के कारण से हाइपोकैल्शियमिया होता है कैसे, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। ये आपके सामने अपन ने इमेजिंग बेस्ड पे बनाया पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। यहाँ पर आपको एक ही रेशनल याद रखना है कि जब किसी क्लाइंट में, सबसे सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ PTH फ्रॉम PTG, पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन के सीक्रेशन के लिए कौन जरूरी है, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो पैराथायराइड हार्मोन से पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और जिसके कारण पैराथायराइड हार्मोन की कमी है तो क्लाइंट में क्या होगा, हाइपो कैल्शियमिया। और भी कई कारण होते हैं, अब अपन अगर इनको इनलिस्ट करें, इन सब कॉजेस को एक साथ लिखने की कोशिश करें शॉर्ट में, कैसे लिखेंगे, हाइपो कैल्शियमिया। अभी तक हमने डिस्कस किया डेफिनेशन के बाद में कितना होगा, डेफिनेशन में क्या होगा, सीरम कैल्शियम वैल्यू बिलो 8.6 mg पर dl। उसके बाद में हमने डिस्कस किए कॉजेस में कौन कौन से कॉजेस डिस्कस किए, रीनल इम्पेयरमेंट क्लाइंट, जिन क्लाइंट की किडनी खराब है, ARF है, CRF है, कारण क्या बताया था, कैल्सिट्रायोल का फॉर्मेशन ना होना, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी नहीं होना, जिसके कारण से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। दूसरा लेवर इम्पेयरमेंट में भी फाइनली कैल्सी डायोल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो कैल्सी डायोल एक्टिवेशन नहीं होगा, कैल्सी ट्रायोल नहीं बनेगा तो कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन नहीं बनेगा। नेक्स्ट नंबर पे एल्कालोसिस में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आएंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन किसके संग में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एल्ब्यूमिन के संग में, अब एल्ब्यूमिन फ्री हो जाएगा और कैल्शियम किसके संग में जाके जुड़ जाएगा, एल्ब्यूमिन के संग में, और हाइपोकैल्शियमिया अगेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे हाइपर एल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिन ज्यादा होगा, इसके कारण से क्या होगा, आपके सामने क्लियर है कि कैल्शियम जाकर के जुड़ जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हाइपर प्रोटीनेमिया, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे हाइपर प्रोटीनेमिया के बाद में माल न्यूट्रिशन के बाद में सेवंथ डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी कंटेनिंग फूड। अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी कंटेनिंग फूड को कम खाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया। नेक्स्ट नंबर पे आठवें नंबर पे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसके अंदर क्या क्या बताए थे मैंने आपको, इसमें बताया था मैंने सिलिएक, दूसरा बताया था क्रॉन्स, तीसरा क्या बताया था मैंने, लैक्टोज इंटॉलरेंस, नेक्स्ट
हाइपोपैराथायरायडिज्म कंडीशन, नेक्स्ट थायरॉयडेक्टोमी कंडीशन, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बताया था मैंने डिजॉर सिंड्रोम, डिजॉर सिंड्रोम, नेक्स्ट हाइपोमैग्नीशेमिया, हाइपोमैग्नीशेमिया, और एक कारण क्या बताया था हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, 14 कॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से हाइपोकैल्शियमिया होगा, 15 कॉज सिट्रेट टॉक्सिसिटी, ये आपको क्लियर हो ही जाएगा, जब सिट्रेट की वैल्यूएशन बढ़ेगी सिट्रेट से कौन आकर के जुड़ जाएगा, फिर कैल्शियम आयंस जुड़ जाएंगे और कैल्शियम की वैल्यूएशन घट जाएगी। तो हमने अभी तक एक लेक्चर के अंदर डेफिनेशन और कॉजेस को डिस्कस किया, अब हम शॉर्ट रूप में इसके साइन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। साइन सिम्टम्स की बात करें अगर हम साइन सिम्टम्स की अगर बात करें, बहुत सिंपल तरीके से कंसेप्ट को समझना है, कैल्शियम हाइपोकैल्शियमिया हो रहा है तो इसके कारण से क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसमें बोलते हैं हाइपोकैल्शियमिया में हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे, हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसको दूसरे प्रकार से पूछा जाए एमसीक्यू बेस्ड पे, तो यहां पर होगा हाइपोकैल्शियमिया में कॉन्टिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होगी, कॉन्टिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होगी, और जिसके कारण से कंटिन्यूसली मसल स्पास्म होगा, क्यों मसल स्पास्म होगा, तो यहां बोलेंगे कि यहां पर कंटिन्यूसली सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसके कारण से कंटिन्यूसली मसल स्पास्म होगा, और ये मसल स्पास्म अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। मान लीजिए डायफ्राग्मेटिक मसल्स के लिए बात करें तो इस क्लाइंट को टिटैनी देखने को मिलेगा, फेशियल मसल्स की बात करें तो इस क्लाइंट को चेवस्टेक्साइंस देखने को मिलेगा, अगर आप कार्पोपेडल मसल स्पास्म की बात करें, कार्पोपेडल मसल स्पास्म की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्रॉसियस साइन देखने को मिलेगा, इसका सेकेंड इधर नियम होता है साइड। अब ये जो आपको समझाया, ये तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं ये कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा लगेगा, लेकिन मैं इसको डिटेल स्ट्रक्चर जब आपको कार्डियक सिस्टम पढ़ाऊंगा और उसके अंदर ईसीजी पढ़ाऊंगा, डिप्लोराइजेशन पढ़ाऊंगा, रिप्लोराइजेशन पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, अभी आपको शॉर्ट तरीके से इस चीज को समझना है। समझने के लिए क्या बात है, हम यहां पर एक बार एक सेल रखते हैं, ये सेल रखी हमने, और यहां पर इस सेल में हम चैनल बना देते हैं, ये चैनल है अपने पास में सोडियम और पोटेशियम का चैनल, ये वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, यहां पर लाइगेंड गेटेड भी चैनल होते हैं जो केमिकल रिलीज करते हैं एसिटिल कोलीन के लिए, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखने को मिलेगा। हर चीज को मैं वहां पर क्लियर करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा जैसे, तो वहां पर आपको पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर लाइगेंड गेटेड चैनल्स के बारे में बताऊंगा, लाइगेंड गेटेड चैनल्स के थ्रू क्या होगा कैल्शियम सेंसिटिविटी बढ़ेगी एंड कैल्शियम इन करेगा, और वह सिनेप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन जैसे
कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके एसिटिल कॉलिन वेसिकल्स से भरी हुई एसिटिल कॉलिन को सेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करेगा। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, ये जब टॉपिक आएगा जब समझाऊंगा। मैं अभी आपको दो प्रकार के चैनल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, एक सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, एक लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड गेटेड चैनल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल। ये क्या है? ये पोटेशियम का वोल्टेज, ये सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल। और ये आपके सामने क्या है? सेल। सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम चैनल होता है इसको गार्डनिंग करता है कैल्शियम, या आपके सामने गार्डनिंग कर रहा है कैल्शियम। गार्ड मतलब कैल्शियम का क्या कार्य है? कैल्शियम क्या करेगा? सोडियम रिफ्लेक्स को इन अननेसेसरी कंडीशन में होने से रोकेगा, अननेसेसरी कंडीशन में होने से रोकेगा। इसका मतलब दोबारा समझाता हूं मैं आपको। ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, इससे क्या हो रहा है? सोडियम इन कर रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, इसे बोलते हैं सोडियम का इनफ्लक्स होना। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, गौर से समझिएगा, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? सोडियम का इनफ्लक्स ज्यादा होगा, और सोडियम का इनफ्लक्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? वही वाली टर्म आ रही है, कॉन्टिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होगी। और कॉन्टिन्यूसली न्यूरोनल फायरिंग होगी, इससे क्या होगा? कंटिन्यूसली डिप्लोराइजेशन होगा। और कंटिन्यूसली डिप्लोराइजेशन होगा, इससे क्या होगा? कंटिन्यूसली मसल स्पास्म होगा। बस आपको ये समझना है। थोड़ा सा टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि ये सब यूनिट है। अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो वहां पर आपको लाइगेंड गेटेड चैनल्स को पढ़ना पड़ेगा, और लाइगेंड गेटेड चैनल्स आपको बेसिकली मिलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मायस्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर का ही कारण। वहां पर आपको लाइगेंड गेटेड चैनल मिलेंगे, ईसीजी के अंदर आपको वोल्टेज गेटेड चैनल मिलेंगे, वहां पर आप डिप्लोराइजेशन समझेंगे, रिप्लोराइजेशन समझेंगे। सोडियम के इनफ्लक्स होने के कारण से डिप्लोराइजेशन होता है, आउटफ्लक्स होने के कारण से रिप्लोराइजेशन होता है। आपको ये चीजें बाद में समझ में आएगी, लेकिन टॉपिक बीच में है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट तरीके से मैंने जितना सिंपल तरीके समझाता हूँ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा देखते हैं, हाइपोकैल्शेमिया में हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। कारण क्या है? कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग होना। यहाँ पर भी कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग हो रही है, इसका मतलब उसका कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग का होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली सोडियम का इनफ्लक्स होना, कंटिन्यूअसली सोडियम अंदर आता रहेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअसली प्लस 55 मिलीवोल्ट की तरफ जाएगा, डिप्लोराइजेशन होता रहेगा। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन से किसकी तरफ जाएगा? एक्शन पोटेंशियल की तरफ जाएगा, पर अपन डिटेल डिस्कस अभी नहीं कर रहे, जिनको पता है उनको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं। आप यहां पर देखें कि जैसे ही हाइपर एक्टिव डीप टेंडेंस रिफ्लेक्सेस को कंडीशन को समझना क्या है, कि इसमें कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग होगी, और न्यूरोनल फायरिंग होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली सोडियम का इंफ्लक्स होगा, जिसके कारण से मसल स्पास्म होगा। ये मसल स्पास्म कहते किसे, ये अलग बताऊंगा मैं आपको। ये मसल स्पास्म हो कैसे रहा है मैं आपको ये समझा रहा हूं। जब कैल्शियम गार्ड करता है सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल को, रोक के रखता है, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो सोडियम कंटिन्यूअसली इन्फ्लक्स होगा, और कंटिन्यूअसली सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग हो रही होगी, और इस कंडीशन में कंटिन्यूअसली डिप्लोराइजेशन होगा, और जिसके कारण से कंटिन्यूअसली क्या होगा? मसल स्पास्म होगा। मैंने आपको ये क्लियर किया। अब बात करते हैं मसल स्पास्म कैसे कैसे कहेंगे। यहां पर देखें अगर, तो हम सबसे पहली बात देखते हैं, यहीं पर अगर अपन देखें कंटिन्यू में, कि
मसल स्पास्म की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं जो स्टेक्साइंस, इस साइन को समझने से पहले आपको दो टर्म समझनी है, इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल। ये लिखा मैंने इप्सिलेटरल और एक टर्म लिखी मैंने कॉन्ट्रालेटरल। इप्सिलेटरल का मतलब क्या होता है? इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। समझी? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर किसी क्लाइंट को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंजरी हुई है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंजरी हुई है, तो इंजरी कहां पर हुई है? इंजरी हुई है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या हुई है? इंजरी हुई है। और उस क्लाइंट को राइट साइड में क्या होगा? पैरालाइज्ड होगा। क्या होगा? पैरालाइज्ड होगा। कौन सी साइड में? राइट साइड में। क्या होगा? पैरालाइज्ड होगा। तो यहां पर आपसे बोले कि इंजरी की साइड या इप्सिलेटरल साइड कौन सी है? इप्सिलेटरल साइड आपके पास में है लेफ्ट साइड, और कॉन्ट्रालेटरल साइड कौन सी है? तो कॉन्ट्रालेटरल साइड है आपके सामने राइट साइड। कॉन्ट्रालेटरल साइड हो गई राइट साइड। तो आपको पता चला कि इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या है? इप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड एंड कॉन्ट्रालेटरल का मतलब है अपोजिट साइड। अब हम इसको समझते हैं जो स्टैक साइंस क्या होता है। फेशियल मसल को टैप करने पर, फेशियल मसल्स को आपने टैप किया, टैपिंग करा, रेसिस्टेंस पैदा किया, इप्सिलेटरल साइड में, सेम साइड की बात कर रहे हैं, इप्सिलेटरल साइड में स्पास्म पैदा होना, स्पास्म पैदा होना, या फिर आप बोलें कि मुखौटे के समान फेस का एक तरफ खिंचना, फेस का एक तरफ खिंचना, एक तरफ खिंचाव होना। ये क्या है? जो स्ट्रक्चर है, दोबारा बताते हैं। फेशियल मसल्स को टैपिंग किया, सेम साइड का फेस एक तरफ खिंच रहा है, स्पास्म हो रहा है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? जो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है आपके पास में ट्रॉफ्यूज साइन। ये कब असेस किया जाता है? जब हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते समय आप इसको असेस करेंगे। कैसे? ब्लड प्रेशर लेते समय आपने सबसे पहले क्या किया? ब्लैडर कफ को बांधा, ब्लैडर कफ को बांध दिया। ब्लैडर कफ को बांधने के बाद में आपने क्या किया? ब्लैडर कफ को बांधने के बाद में आपने इन्फ्लेट किया ब्लैडर कफ को, इन्फ्लेशन किया। शर्त देखिएगा, इन्फ्लेशन में आप तकरीबन लेके जाएंगे 150 mm ऑफ Hg तक, और वहां पर जाकर के डिफ्लेट नहीं करेंगे, 3 मिनट तक आप उस चीज को रोक दोगे। डिफ्लेट नहीं करना, हवा नहीं निकालनी है। आप देखेंगे कि विद इन 3 मिनट आफ्टर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 mm ऑफ Hg के ऊपर लेकर जाएंगे, तो इस प्रकार से कार्पोपेडल मसल स्पास या खिंचाव पैदा होगा। और इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे आप? ट्रॉसियस साइन। आप बोलेंगे किसी क्लाइंट को चेवोस्टेक साइन हो रहा है तो आप समझ जाएंगे उस क्लाइंट को हाइपोकैल्शेमिया है, ट्रॉसियस साइन हो रहा है तो आप उस क्लाइंट समझ जाएंगे क्लाइंट को हाइपोकैल्शेमिया। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, आपके पास में टिटेनी। अब अगर ये कंडीशन डायफ्रागमेटिक मसल्स पे देखी जाए, मसल्स में अगर स्पास होने लग जाए, तो
तो इस कंडीशन को टिटैनी टर्म से संबोधित करेंगे। यहीं पर अगर अपन बात करें कि जब किसी क्लाइंट में कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन हर्ट को कौन डिनोट करता है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घट जाएगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन घट जाएगा तो कार्डियक आउटपुट घट जाएगा, कार्डियक आउटपुट घटेगा तो हार्ट रेट भी घट जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा और क्लाइंट को हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, आपको पता है कि क्लाइंट में हाइपोकैल्शियमिया है। अब ये भी पता चल गया आपको कि इस क्लाइंट को हाइपर एक्टिव डी टेंडेंस रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। ये मैंने अभी भी आपको समझाया था, क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग होगी, सोडियम का कंटिन्यूअसली इन्फ्लक्स होगा सेल के अंदर, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली डिप्लोराइजेशन होगा और जिसके कारण से कंटिन्यूअसली मसल स्पास्म। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें, जीआई ट्रैक की बात करें, तो कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग के कारण क्या होगा, कंटिन्यूअसली न्यूरोनल फायरिंग के कारण से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा तो क्लाइंट को क्या होगा, डायरिया देखने को मिलेगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ साइन सिम्टम्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंटरवेंशन। के डिस्कशन के बाद में हम इंटरवेंशन कंप्लीट करते हैं। हमने सीरियोलॉजिकली देखते हैं दोबारा से, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हाइपोकैल्शियमिया में डेफिनेशन के बाद में कॉजेस के बाद में साइन और सिम्टम्स, और साइन सिम्टम्स के बाद में अब हम करेंगे इंटरवेंशन। ट्रीट कैसे करेंगे, इंटरवेंशन कंसेप्ट को ध्यान रखना है। हुआ क्या है, हाइपोकैल्शियमिया हुआ है। संग में एक बात और ध्यान रखनी है कि संग में क्लाइंट को क्या हो रहा है, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कैल्शियम बढ़ा दो तो हाइपोकैल्शियमिया ट्रीट हो जाएगा, या फास्फोरस को घटा दो। देखिएगा, घटा के दिखाता हूं आपको, अगर आपने फास्फोरस को घटाया तो कैल्शियम अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपके पास में दो प्रकार के इंटरवेंशन होता है। फर्स्ट होता है कैल्शियम सप्लीमेंट, और दूसरा होता है फॉस्फेट बाइंडर। देखिए, कैल्शियम सप्लीमेंट मतलब डायरेक्टली क्या करा, कैल्शियम को बढ़ा दिया और कैल्शियम बढ़ गया। फॉस्फेट बाइंडर्स का मतलब समझिए, ऐसे सब्सटेंस जो फॉस्फेट को बाइंड कर ले। मैं बताता हूं आपके सामने, ये रहा फॉस्फोरस, इसमें कौन सा आयन है, एन आयन है, और अपन की थ्योरी क्या कहती है कि इससे आकर के कौन जुड़ेगा, इससे आकर के जुड़ेगा कैल्शियम, कौन जुड़ेगा, कैल्शियम, जिसके कारण से फ्री कैल्शियम आयनों की कमी हो जाएगी। अब आपको फॉस्फेट बाइंडर से एडमिट करने, मतलब इस एनायन के संग में और कोई धनायन जोड़ने की कोशिश करो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मैं यहां पर फॉस्फोरस के संग में, गौर से देखिएगा, इस एनायन के संग में मैंने
कोई और धनायन जोड़ा, मानिए मैंने ये जोड़ा एल्यूमिनियम प्लस 3, ये भी तो कैटायन है, कैल्शियम भी कैटायन है, तो कोई सा भी कैटायन आगे जुड़ जाएगा। मान लीजिए मैंने जोड़ दिया मैग्नीशियम प्लस 2, अब ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम क्या करेगा, फॉस्फोरस को बांध लेगा, और जब फॉस्फोरस ही बिजी हो जाएगा तो कैल्शियम इसके संग में जुड़े नहीं पाएगा, कैल्शियम अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर अपन बात करें फॉस्फेट बाइंडर्स की, क्या एडमिट करेंगे आप, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपसे बात करें सेवलामर, सेवलामर ये सब क्या है, ये फॉस्फेट बाइंडर्स है। अगर आपसे बात करें कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो ये क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंट है या फॉस्फेट बाइंडर्स है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक फॉस्फेट बाइंडर्स है, ये फॉस्फोरस को बाइंड करके फ्री कैल्शियम आयनों को ज्वाइन नहीं करने देगा और कैल्शियम की वैल्यूएशन को बढ़ा देगा। सीरियोलॉजिकली अपने यहाँ पर इसके इंटरवेंशन को लिख देते हैं सिंपल तरीके से। फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा, एडमिनिस्टर इंक्रीज कैल्शियम इनटेक। दूसरा क्या होगा, एडमिनिस्टर इंक्रीज्ड विटामिन डी इनटेक। थर्ड नंबर पे क्या एडमिट करेंगे, एडमिनिस्टर आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। फोर्थ एडमिनिस्टर फॉस्फेट बाइंडर्स।